नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब इंडियन टीम तैयार है टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले अपनी आखिरी टी20 सीरीज खेलने के लिए, जो कि खेली जाएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि इस समय साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर है। और इस दौरे पर इन दोनों टीमों के बीच 3 T20 और 3 वनडे मैचों की एक शानदार सीरीज खेली जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली T20 सीरीज के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस T20 सीरीज का क्या शेड्यूल रहेगा, इस T20 सीरीज में कितने मैचेस खेले जाएंगे, मैचों की टाइमिंग क्या होगी, मैचेस कौन से वेन्यूज पर खेले जाएंगे, वहीं पर इस T20 सीरीज के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों टीमों का स्क्वाड क्या है, क्योंकि इस T20 सीरीज के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कौन कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख पाओगे। तो इस एक वीडियो में आपको इस T20 सीरीज के बारे में सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आप सबके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडिया के T20 स्क्वाड की बात कर लें, तो इस T20 सीरीज के लिए इंडिया के स्क्वाड में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा थे, इन दोनों ही खिलाड़ियों को इस T20 सीरीज से आराम दिया गया है और ये दोनों खिलाड़ी NCA जाएंगे कंडीशनिंग रिलेटेड वर्क के लिए। इसके अलावा अर्शदीप सिंह, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे, उनकी भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। इसके अलावा मोहम्मद शमी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अनुसार मोहम्मद शमी अभी भी COVID-19 नेगेटिव नहीं आ पाए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, क्या वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेल पाएंगे या फिर नहीं, इसको लेकर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, हालांकि स्क्वाड में उनका नाम जरूर है। इसके अलावा दीपक हुड्डा को भी बैक इंजरी हुई है और BCCI ने इसको ऑफिशियली कंफर्म भी किया है, तो इनकी पार्टिसिपेशन को लेकर भी संदेह बना हुआ है। तो जो इंडिया का 15 मेंबर्स स्क्वाड है इस T20 सीरीज के लिए, वो इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में आपको नजर आएंगे रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन होंगे KL राहुल, इसके अलावा विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, विकेटकीपर ऋषभ पंत, एक और विकेटकीपर दिनेश कार्तिक, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह। और इसके बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस T20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के T20 स्क्वाड के बारे में। तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इस T20 सीरीज के लिए 15 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, जो कि इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में नजर आएंगे टेम्बा बावुमा, इसके अलावा होंगे क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, हेनरिक क्लासन, केशव महाराज, एडन माक्रम, डेविड मिलर, लुंगी एनगेडी, एनड्रिक नोकिए, वेन पार्नेल, ड्वेन प्रिटोरियस, केगिसो रबाडा, रायले रसौ, तब्रेज शमसी और ट्रिस्टन स्टब्स। इसके अलावा दोस्तों, 3 खिलाड़ियों को ट्रैवलिंग रिजर्व्स के तौर पर भी इस दौरे के लिए चुना गया है, जिनमें शामिल हैं बॉन फॉर्च्यून, मार्को यैनसन और एंडेले फेलिक्वायो। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की इस T20 सीरीज के शेड्यूल की। तो पहला T20 मैच खेला जाएगा 28 सितंबर को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में। इसके अलावा सीरीज का दूसरा T20 मैच 2 अक्टूबर को बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला जाएगा, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच 4 अक्टूबर को होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में खेला जाएगा। अगर हम बात कर लें टाइमिंग की, तो ये तीनों ही T20 मैचेस इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से स्टार्ट होंगे। तो हम बात कर लेते हैं इस T20 सीरीज की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट की बात कर लें, तो इंडिया में इस T20 सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है, जहां पर दोस्तों आप टीवी में इस T20 सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट इंग्लिश कॉमेंट्री में स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 1 HD चैनल की मदद से देख पाओगे। वहीं पर हिंदी कॉमेंट्री में आप स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी और स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी HD चैनल की मदद से भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा अदर रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे कि तमिल कमेंट्री में आप स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल चैनल, तेलुगु कमेंट्री में आप स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु चैनल और कन्नड़ कमेंट्री में आप स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़ चैनल की मदद से भी इस T20 सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट एंजॉय कर पाओगे। वहीं पर दोस्तों, DD फ्री डिश यूजर्स के लिए भी बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है, क्योंकि सभी DD फ्री डिश के यूजर्स DD स्पोर्ट्स चैनल की मदद से भी इस T20 सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट एंजॉय कर पाएंगे। अब अगर हम बात कर लें लाइव स्ट्रीमिंग की, तो आप इस T20 सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल फोन में
डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी एंजॉय कर पाओगे। फ्रेंड्स, ये रही इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली T20 सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप इस T20 सीरीज के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो और आपके हिसाब से कौन सी टीम ये T20 सीरीज जीतने वाली है। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।